तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि रेसलमैनिया 36 में दो नाइट का इवेंट देखने को मिलेगा, नाइट वन और नाइट टू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइट टू में हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे और कौन होंगे विनर। एक छोटी सी हाईलाइट्स प्रीव्यू देख लेंगे और विनर प्रिडिक्शन के भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि हमारी क्यू एंड ए वीडियो आने वाली है। जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप हैज रसल स्टोकर की या डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस नेटवर्कर की कमेंट पे पिन कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम उसका रिप्लाई देंगे। क्योंकि ये वीडियो नॉर्मल नहीं होगी, हम इसमें कोलैबोरेशन करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस नेटवर्क के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने नाइट वन पे एक वीडियो बना दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उसे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो नाइट टू की शुरुआत हो सकती है रॉब ग्रोनकोस्की के साथ। इसमें वो अपना माइक का सिग्नल देंगे और प्रोमो कट करेंगे। अब कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि मोजो रॉयली वेडिंग में रहेंगे और फिर से एज यूजुअल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जैसा हमें इनका इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है किंग कॉर्बिन का, और वहाँ पे फिर कुछ बकवास से सेगमेंट देंगे। और उसके बाद फिर हमें एलियास का भी सेगमेंट देखने को मिल सकता है, और ऐसे ही करते करते हमें एलियास वर्सेस किंग कॉर्बिन का मैच देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी इससे पहले वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में इस मैच को बुक किया है। तो ऐसे ही करते ये मैच हमें स्टार्ट होते नजर आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, विनर प्रिडिक्शन करूंगा, तो मुझे लगता है कि इस मैच को और कोई नहीं बल्कि एलियास जीत सकते हैं। क्योंकि एक तरफ रहेंगे रॉब ग्रोनकोस्की और मोजो रॉयली, तो मुझे नहीं लगता कि इनके जीतने के ज़्यादा चांस हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा नाइट टू में सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि इनकी राइवलरी हमें बहुत दिन से मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल रही है, और सेथ रॉलिंस का तो हिल टर्न केविन ओवेंस ने करवा दिया था। तो चांसेस थे कि दोनों सुपरस्टार के जीतने के ज़्यादा चांस है, या तो सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत सकते हैं या तो केविन ओवेंस, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर रिवील हुई थी। अगर मैं अपने चांस बताऊँ तो मुझे लगता है कि इस मैच को और करने बल्कि केविन ओवेंस जीतेंगे, और मे बी सुपरस्टार से कब से वो एनएक्सटी में जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप, चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस यूएस चैंपियन अंड्राडे सीएल वर्सेस एंजेलो गार्जा के बीच में। अगर आपने इस वीक वाले मंडे नाइट रॉ को फॉलो किया होगा तो हमें एक टीम अप मैच देखने को मिलता है। एक तरफ रहते हैं अंड्राडे सीएल और एंजेलो गार्जा, और दूसरी तरफ रहते हैं रिकोसे और सेड्रिक अलेक्जेंडर। तो आपको तो मालूम होगा कि इस मैच को तो अंड्राडे सीएल और एंजेलो गार्जा जीत जाते हैं, लेकिन बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, एक छोटी सी ब्रॉल देखने को मिलती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से, और वो आके अटैक कर देते हैं। और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियली कंफर्म कर देती है कि यह मैच हमें देखने को मिलेगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि इस वाले मतलब रेसलमेनिया 36 में हमें टाइटल चेंज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रेसलमेनिया में हमें सबसे ज़्यादा टाइटल चेंज देखने को मिलते हैं अपने डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो मे भी हमें न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस देखने को मिल सकते हैं अंड्राडे सी एल मास और एंजेलो गार्जा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। लेकिन फ्रेंड्स, इस मैच से रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी रिप्लेस कर दिया दाना ब्रूक को कर्मेला की जगह, यानी कि दाना ब्रूक के प्लेस पर हमें कर्मेला का स्पॉट देखने को मिलेगा। अगर मैं करेंट इसकी बैटिंग और रिवील करूँ तो अभी कुछ दिन पहले इसकी बैटिंग और ये रिवील हुई थी कि इस मैच को और कोई नहीं बल्कि बेली जीत जाएंगे और वो रिटेन कर लेंगे अपना वुमेन्स चैंपियनशिप को। और लेकिन फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर स्पॉट थे उनके फ्रेंड्स साशा बैंक का, कि साशा बैंक भी इस मैच को जीत सकती हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ से एलिस्टर ब्लैक वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच में नाइट वन में। तो आपको तो मालूम होगा कि इस वीक वाले में एक छोटा सा ब्रॉल देखने को मिलता है एलिस्टर ब्लैक का, जिसमें वो लोकल कंप्यूटर पे पूरी तरीके से भारी पड़ते हैं। और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस कर देती है कि यह मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अगर इस मैच को प्रिडिक्ट करूँ तो मुझे जहाँ तक कि चांस लगता है कि दोनों सुपरस्टार के ज़्यादा चांस हैं 50-50 कि एलिस्टर ब्लैक भी इस मैच को जीत सकते हैं और बॉबी लेस्ली भी जीत सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस है बॉबी लेस्ली के, क्योंकि फ्रेंड्स रिंग के बाहर रहेंगे लाना, और मैं भी वो अपना कुछ नौटंकी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, नाइट टू में सेकंड लास्ट मेन इवेंट हमें देखने को मिलेगा एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि इनकी कंट्रोवर्सी हमें बहुत दिन से मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल रही है। एज का रिटर्न हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलता है, और उसके बाद होता क्या है, वो उनको आके इंजर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैच भी हमें डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी ऑफिशियली कंफर्म किया कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हमें देखने को मिलेगा, और इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन। तो फ्रेंड्स, इस मैच को अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो इस मैच को और नहीं बल्कि एज जीत जाएंगे और वो हरा देंगे रैंडी ऑर्टन को। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैच, और ये मैच हमें नाइट वन में मेन इवेंट देखने को मिलेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। तो आपको तो पता है कि फ्रेंड्स हमें सुपर शोडाउन 2020 में न्यू यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिलते हैं गोल्डबर्ग, और आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंस चैलेंज कर देते हैं, बोलते हैं आई एम नेक्स्ट। तो उस पर आगे बहुत कंट्रोवर्सी चलती है फ्रेंड्स, और डब्ल्यूडब्ल्यू भी ऑफिशियली कंफर्म कर देती है कि मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सब लोग होप कर रहे थे कि हमें नंबर वन कंटेंडरशिप मैच देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर 2020 में, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, इस मैच के रूमर्स आ रहे हैं, और बेटिंगर्स में बताऊँ तो इस मैच में हमें न्यू यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिल सकते हैं रोमन रेंस की तरफ से। और मैं भी प्रिडिक्ट करता हूँ कि इस मैच में और कोई नहीं बल्कि हमें न्यू यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस देखने को मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।